તાપી જિલ્લાના બારડોલી ખાતે શ્રી ગોપાલ ગૌશાળામાં યોજાયેલી દિવ્ય ગૌકથાના અંતિમ દિવસે ગૌભક્તોએ લાખો રૂપિયાના દાનની જાહેરાત કરી હતી। ગૌકથામાં સાંસદ પ્રભુભાઈ વસાવાએ હાજરી આપી ગૌશાળા માટે તેમની ગ્રાન્ટમાંથી રૂપિયા 5,55,555 ફાળવવાની જાહેરાત કરી હતી। ગૌશાળાના અંતિમ દિવસે હજારો લોકો ઉપસ્થિત રહીને મોબાઈલની ટોર્ચ પ્રગટાવી મહાઆરતીનો લાભ લીધો હતો। गौ है तब तक सनातन संस्कृति है, इसलिए हमको गौ माता को बचाना ही होगा। क्या करें कि गौ माता बच जाए? कुछ उपाय नहीं हूं मैं, कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं हूं मैं, कोई वृंदावन मथुरा या काशी में रह करके शिक्षा अर्जित किया हुआ। जूनागाम दौरचरण ट्रस्ट आवे ते लोको ए पोते सामे चाली ने अमारी मांगणी ने स्वीकारी ने आटली मोटी जग्या करोड़ों नी आपी दीधी आपणे, एटला माटे एमने दौरचरण ट्रस्ट ना तमाम सभ्यों आपणे आभार मान्यो। पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश क्षेत्र में गोवंश कम हुआ वो टूट के अलग हुआ, कश्मीर में गोवंश कम हुआ वो अलग होने की मांग लिए खड़ा है, पूर्वांचल में गोवंश घटा वो अलग होने की इच्छा रखते हैं, पंजाब में जर्सी होलिस्ट्रीन की संख्या बढ़ी वो खालिस्तान की बात करते हैं। जिस जिस हिस्से से गोवंश घटा है वो हिस्सा देश से टूट करके बटा है, अलग हुआ है। अगर कटने का क्रम जारी रहा तो गौ माता बचेगी नहीं, और गोवंश नहीं बचेगा तो देश खंड खंड होकर के बिखर जाएगा। हिंदुस्तान पर हिंदुओं को जीने के समस्त अधिकार उस दिन समाप्त हो जाएंगे जिस दिन गौ माता नहीं बचेगी। या तो आपको अपना मत बदलना पड़ेगा या हिंद महासागर में डूब के मरना पड़ेगा। जिस दिन गौ माता में नहीं बचेगी उस दिन भारतीय संस्कृति नहीं बच सकती, सनातन धर्मावलंबी नहीं बच सकते। आपको नहीं बचाए तो कुछ काल खंड बाद भारत भूमि पर गौ के दर्शन नहीं होंगे। विचार करो, जो गौ माता हमसे लेती कुछ नहीं, रूखा सूखा खा करके बदले में गोबर देती है, गौमूत्र देती है, अमृत जैसा दूध देती है, आशीर्वाद देती है, सिर्फ देती ही देती है, वो गाय माता कट रही और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर यही क्रम जारी रहा तो आने वाले कुछ वर्षों बाद भारत भूमि पर गौ के दर्शन नहीं होंगे, और गौ माता नहीं बचेगी तो देश नहीं बचेगा। इतिहास साक्षी है।